आज का प्रातः क्लास है 5/12/1967 मंगलवार। टुडेज मॉर्निंग क्लासेस ऑफ द 5/12/1967 ट्यूसडे। रिकॉर्ड चला है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। द रिकॉर्ड प्लेड इज इफ नॉट टुडे टुमारो द क्लाउड्स विल स्कैटर। रात के भूले हुए मुसाफिर अब सुबह हुई घर चल घर चल। ओ लॉस्ट ट्रैवलर ऑफ द नाइट इट्स मॉर्निंग नाउ लेट्स गो होम लेट्स गो होम। बादल कौन से हैं? विच क्लाउड्स आर दे? माया के बादल हैं। दे आर द क्लाउड्स ऑफ माया। ज्ञान सूर्य के ऊपर परछाया डाले हुए हैं। दे हैव कास्ट शैडो ऑन द सन ऑफ नॉलेज। ज्ञान सूर्य दिखाई नहीं देता। द सन ऑफ नॉलेज इजंट विजिबल। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको तो कन्फर्म है। इट इज कन्फर्म्ड फॉर द चिल्ड्रन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट। भले कितने ही बादल आए कितने ही विघ्न आए। नो मैटर हाउ मेनी क्लाउड्स हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स कम। लेकिन आज नहीं तो कल ये बादल तो बिखर ही जाएंगे। बट दीज क्लाउड्स विल सर्टनली स्कैटर इफ नॉट टूडे देन टूमोरो। ओम शांति। ओम शांति। अब ये गीत बजाना। नाउ प्लेइंग दिस सॉन्ग। तो पहले तो उस गीत का अर्थ खुद समझना चाहिए। दे themselves शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग फर्स्ट। न्यू जिंदगानी से कोई भागता ही नहीं। नॉर्मली नो वन रन्स अवे फ्रॉम लाइफ। आप तो कहते हैं तुम्हारी जिंदगानी मोस्ट वैल्यूएबल है। द फादर सर्टनली सेज दैट योर लाइफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल। मोस्ट वैल्यूएबल। द मोस्ट वैल्यूएबल। मना 84 जन्मों में कभी इतनी वैल्यूएबल जिंदगानी नहीं थी जितनी अब मोस्ट वैल्यूएबल है। इट मीन्स यू नेवर हैड सच अ वैल्यूएबल लाइफ इन द 84 बर्थ्स लाइक द मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ यू हैव नाउ। जैसे त्रिमूर्ति शिव की जयंती कहते हैं ही ये समान है। जस्ट एज दे से दैट द बर्थडे ऑफ त्रिमूर्ति शिव इज लाइक डायमंड। किसकी जयंती? हूज बर्थडे? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति। अरे शिव तो अमूर्त है फिर त्रिमूर्ति शिव कैसे? अरे शिव इज इन फैक्ट अमूर्त देन हाउ इज ही त्रिमूर्ति शिव? है अमूर्त माने उसकी मूर्ति है ही नहीं वो तो निराकार है। अमूर्त मीन्स ही डजंट हैव अ मूर्ति एट ऑल। मूर्ति आइडल बॉडी He is certainly incorporeal। और सदा निराकार है कभी कभी साकारी देह धारण करता है। And is he forever incorporeal or does he ever take on a corporeal body? गर्भ से जन्म लेता है गर्भ से जन्म नहीं लेता। Is he born through the womb? He isn't born through the womb। साकार शरीर तो धारण करता ही नहीं। He certainly doesn't take on a corporeal body at all। तो फिर हीरा कैसे? Then how is he the diamond? हीरो हीरा तो बताया हीरो पार्ट दाई। It was said that the diamond हीरा is the hero actor। इसे ड्रामा में रंगमंच पर जो भी पार्टधारी होते हैं उनमें सर्वोत्तम तो हीरो पार्टधारी है। Among all the actors in this drama, on the stage, it is the hero actor who is the best। तो वो त्रिमूर्ति शिव हीरो पार्टधारी मूर्ति तो जरूर होनी चाहिए। So, the त्रिमूर्ति शिव हीरो एक्टर शुड सर्टनली हैव अ मूर्ति। कौन सी मूर्ति? विच मूर्ति? अरे वो ही मूर्ति सृष्टि रूपी रंगमंच की जो सदाकाल मूर्त रूप में रहती है। उसकी मूर्ति उसका शरीर कभी खलास होता ही नहीं। अरे
the same murti of this world stage, which always stays in the corporeal form. His murti, his body is never destroyed. तो समुकरर रथ को आत्माओं का बाप आकर के धारण करते हैं। So the father of the souls comes and takes on that permanent chariot. तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती। It is then that you say the birthday, meaning Jayanti of Trimurti Shiv. Jayanti? क्यों? Jayanti. Jayanti means birthday, victory. Why? Haranti क्यों नहीं? Why isn't it Haranti? Haranti means defeat. क्योंकि गीत में ही इशारा दे दिया ना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। It is because the hint was already given in the song, wasn't it? If not today, tomorrow the clouds will scatter. अभी संसार में भले जय जयकार नहीं हो रही है त्रिमूर्ति शिव की, लेकिन कल होनी जरूर है। Though there aren't the hills of victory of Trimurti Shiv in the world now, it certainly has to happen tomorrow. तो कहेंगे हीरे समान पार्ट ये है। So they will say that this is the diamond-like part. और उसके मुकाबले बाकी जितने पार्ट धारी हैं सब की जयंती कौड़ी समान। And compared to it, the birthdays of the rest of the actors is worth a shell. क्यों? है? सबकी जयंती कौड़ी समान क्यों? Why? Why are the birthdays of everyone worth a shell? क्योंकि कौड़ी का जो मिसाल दिया जाता है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार। It is because the shell whose example is given has darkness and only darkness inside it. अज्ञान का अंधकार कहा जाता है। It is called the darkness of ignorance. उस अज्ञान के अंधकार से मन बुद्धि बाहर ही नहीं निकल पाती। The mind and intellect is just unable to come out of this darkness of ignorance. जो हीरे समान बने। So that it becomes like a diamond. और बनते भी हैं तो नंबरवार हीरे समान। And even when they become like a diamond, they become that number wise. ऐसे तो नहीं कहेंगे। We certainly won't say कि हिस्ट्री में कौन सा हीरा प्रसिद्ध है? Which diamond is famous in the history? कोहेनूर हीरा। The कोहेनूर diamond. तो एक ही है कि अनेक हैं? एक ही है। Is it just one? Or are there many? It is just one. तो अर्थ है। So there is a meaning of it. तो ये भी बरोबर है कि तुम बच्चों की है, जो तुम बच्चे उनके बालक बने हो। It is certain that you children have become their children. उनके? कौन बोल रहा है? Their? Who is saying this? बोलने वाली आत्मा कौन बोल रही है? Which soul is saying this? अरे भले दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बोल रही है। अरे दो ही इज स्पीकिंग थ्रू द माउथ ऑफ दादा लेखराज ब्रह्मा। लेकिन बोलने वाली कौन? Who is the one saying it? Supreme soul, heavenly god father. The supreme soul, heavenly god the father. जो heaven बनाने का रास्ता बताते हैं। Who shows the path to create heaven? तो वो ऐसे क्यों कहते जो उनके बालक बने हो? So why does he say that you have become their children? क्यों नहीं कहते मेरे बालक बने हो? Why doesn't he say that you have become my children? है? उनके कहके दूर क्यों कर दिया? Why did he bring distance by saying there? क्यों कर दिया? Why did he do that? क्योंकि जिसको उनके कहा वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है। It is because the one he referred to as there, that part is going to be revealed later. जब ये माया के बादल बिखर जाएंगे।
पूरी तरह बिखर जाएंगे. When these clouds of माया scatter, when they totally disperse, उनके माने कोई एक है या ज्यादा है. Does there mean there is one soul or many? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग है ना. Student replies, yes, it is the household path, isn't it? तो जो निश्चय बुद्धि है तो उनकी भी हीरे समान, नंबरवार हीरे समान जयंती कहेंगे. So, it will be said that the birthday of the ones with a faithful intellect is also worth a diamond number wise. जानते हो कि बरोबर जरूर कोई कोई चीज को सब कहते हैं ना हीरे समान है. You know that certainly there are a few things for which everyone says that it is worth a diamond, don't they? तो बरोबर ये जन्म ऊंचे ते ऊंचा है. So definitely this is the highest of the high birth. कौन सा जन्म? Which birth? ये पुरुषोत्तम संगम युगी जो जन्म है ना, है हीरे समान. This birth of the elevated confluence age is worth a diamond. तो वैल्यू तो रखता है ना. So it is certainly valuable, isn't it? कि बच्चे वो हीरे समान जन्म है. Children, that is a diamond-like birth. और जो भी जन्म हुए, चाहे वो देवताओं के हुए हों, सतयुगी देवताएं हुए हों. All the other births that there were, whether they were the births of the deities of the golden age. त्रेता के क्षत्रिय देवताएं हुए हों. Whether they were the births of the deities of the silver age warriors. है. द्वापर या कलयुग में कोई भी जन्म के हों, बड़े ते बड़े धर्म पिताओं के रूप में. Whether there were any of the births in the copper and iron age in the form of the great religious fathers. जन्म तो लेते हैं ना. They are certainly born, aren't they? है वो सब उन हीरे के समान कहेंगे नहीं. Will those births be said to be worth a diamond? No. सब कौड़ी समान, सब की बुद्धि में कौड़ी भरी रहती है. They are all worth shells. There is only the shell in the intellect of everyone. अब तुम समझ गए कि ये जिंदगानी तुम्हारी. Now you have understood that this life of yours. ये जिंदगानी है जो पास्ट में गुजर गई 84 जन्मों की जिंदगानी वो नहीं. This life, not the life in the 84 births that has passed. ये पुरुषोत्तम संगम युगी जिंदगानी हीरे समान बन रही है. This life of the elevated confluence age is becoming worth a diamond. इससे कोई कोई भागता है क्या? Does anyone run away from it? नहीं. अरे इससे कौन भागता है? No. अरे who runs away from it? जो बहुत दुखी हो पड़ते हैं और ज्ञान नहीं है तो कहते हैं. Those who become very sorrowful and they don't have knowledge, so they say. है? क्या कहते हैं? कहां मरे तो अच्छा. What do they say? It is good if I die. शरीर छूट जाए तो अच्छा. It is good if I leave the body. ऐसे कहते हैं ना बच्चे. Some say this, don't they children? और तुम बच्चों को तो कितनी भी बीमारी हो तो भागेंगे है नहीं. एंड नो मैटर हाउ मेनी डिजीजेज यू चिल्ड्रन हैव विल यू रन अवे. नो. तो ये समझ होनी चाहिए क्या? सो यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट बुद्धि के अंदर कि ये जो जिंदगानी है, ये जो जीवन है हीरे समान, आज नहीं तो कल बनने का जरूर है. इन द इंटेलेक्ट दैट दिस लाइफ इज सर्टेनली गोइंग टू बिकम वर्थ अ डायमंड
इफ नॉट टुडे देन टुमारो। क्या कहेंगे, बन गया? वॉट विल बी सेड, हैज इट बिकम वर्थ अ डायमंड? बन नहीं गया, लेकिन बनने का जरूर है। इट हैजंट बिकम दैट बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम दैट। क्या अंतर पड़ेगा? वॉट डिफरेंस विल देयर बी? हीरे समान बन जाएगा तो अंतर क्या पड़ेगा? इफ इट बिकम्स वर्थ अ डायमंड वॉट डिफरेंस विल देयर बी? कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? विल देयर बी सम डिफरेंस और नॉट? अरे हीरे को तो कहीं भी कितनी भी देह अभिमान की धूल में झोंक दो। अरे थ्रू अ डायमंड एनीवेयर इन एनी अमाउंट ऑफ द डस्ट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। है वो रोशनी मारता रहेगा, रोशनी देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा? विल इट कंटिन्यू टू रेडिएट लाइट, गिव लाइट और नॉट? अरे धूल भी रोशनी देने लगेगी जिसे धूल में डाला जाएगा। अरे इवन द डस्ट इन विच इट इज पुट विल स्टार्ट टू रेडिएट लाइट। नहीं, हाँ नो, स्टूडेंट रिप्लाइज यस। अरे जितना ऐसे जिंदगानी में जिएंगे, अरे द मोर यू लिव दिस लाइफ। क्या? वॉट? ऐसे नहीं क्या? हमें तो विनाश नहीं देखना, हम तो इससे तो अच्छा पहले ही विनाश होने से पहले हमारा शरीर छूट जाए। इट इज नॉट दैट यू से आई डोंट वॉन्ट टू सी द डिस्ट्रक्शन, इट इज बेटर इफ आई लीव द बॉडी बिफोर द डिस्ट्रक्शन हैपेंस। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और रोने लगे। इट शुडंट बी लाइक द केस ऑफ ब्रह्मा बाबा, ही हैड विजन्स एंड ही स्टार्टेड टू क्राई। ऐसे कमजोर दिल है? नहीं। डू यू हैव सच अ वीक हार्ट? नो। जितना जिएंगे इतना बाप का नाम सुनेंगे। द मोर यू लिव द मोर यू विल लिसन टू द नेम ऑफ द फादर। सुनेंगे और याद करेंगे। यू विल लिसन टू इट एंड रिमेम्बर हिम। और फिर हीरे जैसा बनेंगे। एंड देन यू विल सर्टनली बिकम लाइक अ डायमंड। मना? ऐसे नहीं कि पहले ही शरीर छोड़ के भाग जाए। इट मीन्स इट शुडंट बी दैट यू लीव द बॉडी बिफोर इट सेल्फ एंड रन अवे। है? नहीं, भले विनाश बरपा होता रहे। नो, द डिस्ट्रक्शन मे कीप हैपनिंग। तो बोला हुआ है ना, तुम बच्चे अंत तक, अंतिम घड़ी तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। कौन सा वर्षा? इट इज सेड इजंट इट यू चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर टिल द एंड, टिल द लास्ट मोमेंट। विच इनहेरिटेंस? जन्म जन्मांतर की बादशाही का वर्षा लेते रहे। स्टूडेंट रिप्लाइज यस, यू विल कंटिन्यू टू टेक द इनहेरिटेंस ऑफ द एम्पायरशिप ऑफ मेनी बर्थ्स। कब लेते रहेंगे? When will you continue to take it? है? कोई भी जन्म में पार्ट बजाएंगे तो हीरे जैसा पार्ट बजाएंगे तब वर्षा लेते रहेंगे, या नीचा पार्ट बजाएंगे तब लेते रहेंगे? Will you continue to take the inheritance if you play a diamond like part in every birth, or will you continue to take the inheritance if you play a low part? हाँ, अव्वल नंबर हीरे जैसा पार्ट बजाएंगे तो अंतिम जन्म तक भी। स्टूडेंट रिप्लाइज यस, इफ यू प्ले द नंबर वन डायमंड लाइक पार्ट देन इवन टिल द लास्ट बर्थ। है? कौन सा वर्षा लेते रहेंगे? विच इनहेरिटेंस विल यू कंटिन्यू टू टेक? है? सुख और शांति का वर्षा लेते रहेंगे। यू विल कंटिन्यू टू टेक द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। ऐसे नहीं कि इतनी अशांति हो जाए जीवन में कि बस अब तो मोक्ष चाहिए। इट शुडंट बी दैट देयर इज सो मच रेस्टलेसनेस इन द लाइफ दैट यू थिंक आई जस्ट वॉन्ट मोक्ष नाउ। मोक्ष मीन्स इटर्नल लिबरेशन, नेवर टू बी बॉर्न अगेन। क्या?
अब तो इस दुनिया से सदाकाल के लिए क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए। वॉट नाउ फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर एवर वॉट शुड हैपन, आई शुड बी लिबरेटेड। कभी भी इस दुनिया में हमें आना ही नहीं है, बस बस प्रणाम। आई नेवर एवर वॉन्ट टू कम इन दिस वर्ल्ड, इनफ, गुड बाय। ऐसे? अरे बाप कहते हैं कि स्वर्ग में कोई बैठा हो तो वहाँ लगातार सुखी ही सुख भोग रहा हो तो कभी ये बात बुद्धि में आएगी कि हमें तो इस दुनिया से मोक्ष चाहिए। लाइक दिस, अरे द फादर सेज दैट इफ समवन इज सिटिंग इन हेवन एंड इफ ही इज कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस देयर, विल इट एवर कम इन हिज इंटेलेक्ट, आई वॉन्ट मोक्ष फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आएगी, अभी क्यों आ रही है? Will it come in his intellect? Why is it coming now? और किने की बुद्धि में आ रही है? And in whose intellect is it coming? उन्हीं की बुद्धि में आ रही है जिन्होंने स्वर्ग के सुख देखे ही नहीं है। It is coming in the intellect of only those souls who haven't seen the happiness of heaven at all. तो बहुत अशांत हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। So, they become very restless and very sorrowful. तो गीत का पहले पहले अर्थ समझ करके, हाँ, पहले अर्थ समझो फिर बजाओ। So, first of all, understand the meaning of the song and first understand the meaning, then play it. खुद समझेंगे तो जो बजाएंगे वो दूसरों को उसको समझाएंगे। If they themselves understand it, they will explain what they play to others. है? हाँ? खुद ही नहीं समझा होगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? Yes. If they themselves haven't understood it, how will they explain it to others? नहीं तो फिर बाबा कहेगा ये बच्चा तो अज्ञानी है। अदरवाइज बाबा विल से दैट दिस चाइल्ड इज सर्टेनली इग्नोरेंट। इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। दिस वन डजंट हैव एनी नॉलेज एट ऑल। क्या? वॉट? ये जो गीत बने हैं, दीज सॉन्ग्स दैट हैव बीन कम्पोज्ड, है बनाने वालों ने बनाए हैं, बनवाए किसने? Those who composed songs have composed them. Who had them composed? है? बनवाने वाले ने बनवाए हैं, बनाने वालों ने बनाए हैं। The one who had them composed, and those who composed them have composed them. अगर जिन्होंने बनाए हैं तो उसका अर्थ जानते हैं। But those who have composed them, do they know their meaning? हाँ? नहीं जानते। They don't. नहीं जानते हैं तो फिर बाप को आकर के बताना पड़ता है। They don't know it, so the father has to come and narrate it. देखो जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं। Look, the children who don't know anything. क्योंकि ये जो भी गीत हैं, ये दिन प्रतिदिन बाप कहते हैं कि ये कम होती जाती है। The father says that all these songs reduce day by day. क्या? What? ना जिन गीतों में, It means the songs in which, फिल्मी गीतों को ही ले लो। Take the film songs themselves as an example. जो शुरुआत की फिल्मी गीतें थी तो उनमें गहरा अर्थ था। द फिल्म सॉन्ग्स ऑफ द बिगनिंग हैड अ डीप मीनिंग। और वो अर्थ धीरे धीरे फिर जितने भी और आगे फिल्में बनती जाती हैं, तो वो अर्थ उनमें मिलता ही नहीं। एंड देन ग्रेजुअली दैट मीनिंग ऑल द फिल्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड लेटर ऑन यू डोंट फाइंड दैट मीनिंग इन देम एट ऑल। वो गहरा अर्थ मिलता है जो ड्रामा को क्लियर करे, नहीं मिलता। क्यों? डू यू फाइंड अ डीप मीनिंग इन देम, द मीनिंग दैट वुड क्लैरिफाई द ड्रामा?
यू डोंट. वाई? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान. वाई डोंट यू फाइंड इट? इट इज बिकॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज सतो प्रधान फर्स्ट. और बाद में रजो प्रधान से गुजरती हुई तमो प्रधान जरूर बनती है. देन लेटर इट सर्टनली बिकम्स तमो प्रधान आफ्टर पासिंग थ्रू द रजो प्रधान स्टेज. तमो प्रधान बनी तो फिर उस समय तमो प्रधान बुद्धि में कोई अर्थ बैठता है क्या? गीतों में फिर अर्थ कहाँ से आएगा? When it became तमो प्रधान, does any meaning sit in the तमो प्रधान intellect? Then, from where will the meaning come in the songs? तो इन ये जो नए नए गीत निकले हैं ना, इनसे इन गीतों की कोई जरूरत नहीं. क्या कहा? The new songs that have come up, there is no need of these songs. What was said? चाहे नया उपन्यास हो, नए नए निकले हुए. Whether it is a new novel, the novels that have been written recently. पुराने तो पुराना, जैसे हिंदी का उपन्यास है. Like there is the oldest Hindi novel. कौन सा? Which one? चंद्रकांता संतति. चंद्रकांता संतति. तो वो ड्रामा से लागू होगा. So, it will be applicable to the drama. ड्रामा का अर्थ उसे देखने से समझ में आएगा. You will understand the meaning of the drama by watching it. Here, Baba is talking about the serial based on the novel. क्यों? उसने बताया हुआ है. एक नवगढ़ है, एक विजयगढ़ है. So, it has been mentioned in it. There is a kingdom Nogar and another kingdom Vijayagarh. Garh माने किला. Garh means a fort. कैसे लोगों का किला? A fort of what kind of people? है? नौ नाथ जो कहे जाते हैं ना संसार के, तो संसार की नाकों नाक में नाथ डाल देते हैं. हाँ. The नौ नाथ meaning nine lords of the world are famous. Aren't they? They put a nose ring on the nose of the people of the world, meaning control it. Yes. Powerful है ना? They are powerful, aren't they? तो उनका ये गढ़ है, उनका किला है. किला माने? So, it is their गढ़, their fort. What does fort mean? संगठन है. और दूसरा? It is a gathering. Yes. And the other one? उनके मुकाबले फिर है टक्कर लेने वाला कौन? विजयगढ़. The kingdom that clashes with them is विजयगढ़. विजयगढ़ माने? जय और विजय साधारण नहीं, विजय विशेष जय. विजयगढ़ means? जय means victory. And विजय it means it isn't ordinary. विजय means विशेष जय, special victory. जैसी जय फिर कभी न हुई थी और न कभी होगी. Such a victory never took place, nor will it ever take place. तो ऐसी विजयगढ़ नौगढ़ वालों से भी टक्कर लेने वाली. या हाँ. It is such विजयगढ़, those who even clash with the people of नौगढ़. What? Yes. तो फिर उसमें दिखाते हैं एक तीसरा और भी है. क्या? So, then they show in it that there is also a third group. What? अरे एक तीसरा ग्रुप है शिवदत्त. अरे the third group is शिवदत्त. A character in the novel Chandrakanta Santati. क्या? विष पीता है. What? He drinks poison. अब पचा जाता है. अरे बाप रे कितना पावरफुल होगा. And digests it. Good heavens, how powerful he would be. कि कमजोर होगा? हाँ. Or would he be weak? Student replies, yes. तो देखो ये कोई कोई गीत हैं इनमें पुराने पुराने.
जिन गीतों से अर्थ निकलते हैं। सो लुक, देर आर सम ओल्ड सॉन्ग्स अमंग दीज, दोज सॉन्ग्स हैव अ मीनिंग। दुनिया की कोई भी चीज हो, पहले सत्व प्रधान, फिर रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। बी इट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इट इज सत्व प्रधान फर्स्ट, देन इट इज रजो प्रधान एंड तमो प्रधान इन द एंड। मंदिरों में भी पहला मंदिर कौन सा? इवन अमंग द टेम्पल्स, विच इज द वेरी फर्स्ट टेम्पल? सोमनाथ मंदिर, द सोमनाथ टेम्पल। तो उसमें जो मूर्ति रखी हुई थी, लिंग मूर्ति, सो द आइडल ऑफ द लिंग दैट वॉज प्लेस्ड इन इट, उसमें अर्थ गहरा होगा ना? देर वुड बी अ डीप मीनिंग ऑफ इट, वुडंट देर? सबकी समझ में जल्दी आ जाएगा क्या? नहीं। विल एवरीवन अंडरस्टैंड इट क्विकली? नो। ऐसे ही शास्त्र, शास्त्रों में भी सबसे पुराना शास्त्र कौन सा माना जाता है? इट इज द सेम विद द स्क्रिप्चर्स, इवन अमंग द स्क्रिप्चर्स विच वन इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर? है नाम है वो तो किसी को पता ही नहीं है, इतना पुराना है किसी को ये भूल गया कि ये गीता शास्त्र सबसे पुराना है। हैज इट गॉट अ नेम? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, नो वन नोज इट एट ऑल, इट इज सो ओल्ड दैट पीपल इवन फॉरगॉट दैट दिस स्क्रिप्चर गीता इज द ओल्डेस्ट। पहला है गीता शास्त्र, द वेरी फर्स्ट स्क्रिप्चर इज द गीता, जिसमें ऐसी सच्चाई भरी हुई है जिस सच्चाई को कोई भी धर्म वालों ने आज तक काट नहीं पाया। इट इज फुल ऑफ सच ट्रूथ दैट द पीपल ऑफ नो रिलीजन कुड कॉन्ट्रडिक्ट इट टिल टुडे। क्या उसकी महिमा की है या मान्यता नहीं दी? वॉट हैव दे प्रेज्ड इट और हैव दे नॉट रिस्पेक्टेड इट? मान्यता देनी ही पड़ी, they have to respect it. तो जैसे गीता है, so just like there is the Gita, है तो वो गीत ही निकाल करके रखे हैं। He has taken out those very songs. किसने? Who? है बाबा ने। बाबा और लोग दुनिया वाले बहुत चक्के ले जाते हैं, ये कौन सा ज्ञान निकला, फिल्मी गीत निकाल करके फिर उनके ऊपर अर्थ करते। एंड द वर्ल्डली पीपल आर एस्टोनिश्ड व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज हैज इमर्ज्ड, दे टेक आउट फिल्म सॉन्ग्स एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग्स। अरे ये तो ढेर हैं जो निकाल कर रखे। अरे देर आर मेनी ऑफ दीज सॉन्ग्स विच हैव बीन टेकन आउट। ये जो गीतों के रिकॉर्ड है ना बच्चे, ये ढेर के ढेर हैं। चिल्ड्रन, देर आर न्यूमरस रिकॉर्ड्स ऑफ दीज सॉन्ग्स, रिकॉर्ड्स मीनिंग रिकॉर्डिंग्स। ढेर के ढेर हैं? दे आर न्यूमरस। अरे फिर भी उनकी गिनती होगी ना? अरे स्टिल देर मस्ट बी सम काउंट, मजंट देर? अरे गिनती कहाँ से होगी? अरे How will there be a count? है ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में कम कुरी वाले ब्राह्मण निकल रहे हैं ना, कन्वर्ट होने वाले। In the Brahmin world, these low category Brahmins who convert are emerging, aren't they? कोई इस्लाम धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में। Some convert to Islam, some to the Muslim religion. तो इनमें तो संस्कार भरे हुए हैं दूसरों धर्मों के। They certainly have the संस्कार्स of the other religions. तो उन्होंने तो वो मुरलियां ही गायब कर दी जिनमें पुराने पुराने गीत भरे हुए थे। सो दे हैव हिडन दोज वेरी मुरलीज विच हैड दोज ओल्ड सॉन्ग्स। की सारी मुरलियां मिल रही हैं? और आर ऑल द मुरलीज अवेलेबल? है नहीं, जो भी मुरलियां है यहाँ भारत में आकर के छपना शुरू हुई, ओम मंडली से बाहर आए ना, है पाकिस्तान छोड़ के? नो All the murlis that started to be printed after they came to Bharat, they came out of Om Mandali, leaving Pakistan, didn't they? तो जो भी मुरलियां छपी
उधारी मुरली है गायब कर दी। सो दे हिड ऑल दोज मुरलीज दैट वर प्रिंटेड। क्या किया? वॉट डिड दे डू? फाड़ फाड़ के फेंक दी। दे टोर देम एंड थ्रू देम अवे। अरे मुसलमानों ने क्या किया था? अरे वॉट डिड द मुस्लिम्स डू? यहाँ के भारतवर्ष के जो भी शास्त्र हैं उनको फाड़ फाड़ के फेंक दिया ना, पहाड़ में जलाई दिया है, जमीन में गाड़ दिया, नदियों में बहा दिया, ऐसे किया ना। दे टोर ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ द लैंड ऑफ भारत एंड थ्रू देम अवे डिडंट दे? दे बर्न्ड देम इन फर्नेस, बेरीड देम इन लैंड एंड थ्रू देम अवे इन रिवर्स। दे डिड दिस डिडंट दे? यस। तो फिर अब वो सारे गीत तो नहीं मिल रहे हैं। सो वी सर्टनली आरंट एबल टू फाइंड ऑल दोज सॉन्ग्स नाउ। फिर भी बाबा कहते हैं ढेर के ढेर हैं, तुम बच्चे भी पुरानी पुरानी फिल्मों के नए नए गीत और भी निकाल सकते हो। स्टिल बाबा सेज दे आर न्यूमरस, यू चिल्ड्रन कैन ऑल्सो टेक आउट मोर सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड फिल्म्स। तो ढेर के ढेर होंगे कि नहीं? सो विल देर बी अ लॉट ऑफ देम और नॉट? यस। ये रिकॉर्ड ये लाखों के अंदाज में होंगे। देर विल बी हंड्रेड थाउजेंड ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। क्या कहा? होंगे माने भविष्य में या अभी भी हैं, मिल रहे हैं? वॉट वॉज सेड? विल बी मीन्स इन फ्यूचर और आर दे प्रेजेंट इवन नाउ? आर वी एबल टू फाइंड देम? अभी तो कलेक्शन ही नहीं किया इतना किसी ने। नो वन हैज इवन कलेक्टेड सो मेनी सॉन्ग्स येट। अभी तो समझते हैं ये कोई नचकैया लोग हैं, हैं? नचकैया लोग होते हैं, वो वैश्याएं होती हैं और उनके साथ बड़ुए होते हैं, वो नाच गाना करते हैं। इन फैक्ट नाउ पीपल थिंक दीज पीपल आर नचकैया मीनिंग डांसर्स। देर आर भड़ुए अलॉन्ग विथ प्रोस्टिट्यूट्स, दे डांस एंड सिंग विद देम। भड़ुए मीन्स अकम्पनीज टू द सिंगिंग ऑफ अ डांसिंग गर्ल। अरे बाप कहते थे ये तो स्वर्ग में भी थे, उनको गंधर्व कहा जाता है। अरे द फादर सेज दे वर प्रेजेंट इवन इन हेवन, दे आर कॉल्ड गंधर्व। गंधर्व मीन्स हेवनली मिनिस्ट्रल एंड म्यूजिशियंस। क्या? हाँ, नाम रख दिया है गंधर्व, गंधर्व। What? Student replied, yes, they are named Gandh, Arv, Gandharv. तो समझते हैं ये कोई नीचे हैं। So they think these are lowly people. बाप कहते हैं जो आज नीचे दिखाई पड़ते हैं वो पहले नीचे थे या ऊंचे थे? The father says, those who appear to be lowly today, were they low or high earlier? वो भी ऊंचे थे पहले, पहले हर चीज इस दुनिया की अच्छी सत्ता सात्विक होती है। दे वर ऑल्सो हाई, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज गुड ट्रूथफुल एंड सात्विक फर्स्ट। बाद में तमो प्रधान हो जाते, लेटर इट बिकम्स तमो प्रधान। तो फिर इन हर प्रकार के मनुष्य है इन गीतों को बजाते रहते। सो देन All kinds of people keep playing these songs. बजाते हैं कि नहीं? Do they play them or not? आज दुनिया में देखो घर घर में ये फिल्मी गीत बजाए रहे हैं कि नहीं? Look in the world today, are they playing these film songs in every house or not? जो विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनके घर में भी बजाए जाते हैं कि नहीं? उनके घर में भी बजाए जाते हैं। Are they played even in the house of the scholars, pandits, teachers or not? They are played even in their house. तो इन रिकॉर्डों के ऊपर भी तो नहीं है ना अपना, है? So we don't have the yoke of our intellect with these records either, do we? अपना बुद्धि योग है इन रिकॉर्डों के आधार पर चल रहा है? Is the yoke of our intellect dependent on these records? है? अरे हमें निराधार राजा बनना है या कोई का आधार लेके जिंदगी चलानी है? नहीं। अरे डू वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट किंग्स और डू वी हैव टू लिव आर लाइफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन? नो।
ये रिकॉर्डों का भी कोई जरूरी नहीं है कि ये रिकॉर्ड बजेंगे तभी ही हमारी अच्छी याद आएगी। देर इज नो नीड ऑफ दीज रिकॉर्ड्स ईदर, सो दैट यू थिंक आई विल बी एबल टू रिमेम्बर नाइसली ओनली व्हेन दीज रिकॉर्ड्स आर प्लेड। है नहीं, इनका भी आधार क्या करना है? नो, द सपोर्ट ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टू, व्हाट डू यू हैव टू डू? त्याग देना है कि बनाए रखना है? डू यू हैव टू रिनाउंस इट और डू यू हैव टू कंटिन्यू टेकिंग इट? इनका भी आधार बना के रखना है। यू शुडंट टेक देयर सपोर्ट ईदर। अच्छा, कोई कहे चलो रिकॉर्ड नहीं बजाते, बजाएंगे इनकी जो ट्यूनिंग है वो तो ले सकते हैं, बजा सकते हैं। अच्छा, समवन में से वी वोंट प्ले द रिकॉर्ड बट वी कैन टेक आउट देयर ट्यून्स एंड प्ले देम, कांट वी? बाबा के वो भी आधार तो हो गया ना, ट्यून बजाएंगे तो गीत याद आएगा कि नहीं अंदर? बाबा सेज इवन दैट इज अ सपोर्ट, इजंट इट? इफ यू प्ले द ट्यून विल यू रिमेम्बर द सॉन्ग विद इन और नॉट? गीत भी याद आएगा, गीत याद आएगा तो वो पार्टधारी जिन्होंने वो फिल्में बनाई हैं या खेली हैं वो नहीं याद आएंगे, वो भी याद आएंगे। यू विल रिमेम्बर द सॉन्ग, इफ यू रिमेम्बर द सॉन्ग वोंट यू रिमेम्बर द एक्टर्स हु हैव मेड दोज फिल्म्स और हैव एक्टेड इन देम? यू विल रिमेम्बर देम टू। तो हमें तो देहधारियों को भूलना है या याद करना है? सो डू वी हैव टू फॉरगेट द बॉडीली बींग्स और रिमेम्बर देम? भूलना है तो ये सब आधार अपने नहीं है। वी हैव टू फॉरगेट देम, सो ऑल दीज सपोर्ट्स आरंट आर्स। बच्चों का तो है ही एक माम एकम याद की यात्रा। द चिल्ड्रन सर्टनली हैव द वन एंड ओनली जर्नी ऑफ रिमेम्बरिंग मी अलोन। क्या, किसको याद करो? मुझे एक को याद करना है, अनेकों को याद नहीं करना। वॉट, हु डू यू हैव टू रिमेम्बर? यू हैव टू रिमेम्बर ओनली मी, यू मस्टन्ट रिमेम्बर मैनी। अपने ऊपर इस बात का रहम करना है क्या? यू हैव टू हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ ऑन दिस पॉइंट। वॉट, कि अनेकों की याद करेंगे तो बुद्धि विविचारी हो जाएगी, और विविचारी बुद्धि हो जाएगी तो क्या घाटा होगा? इफ यू रिमेम्बर मैनी योर इंटेलेक्ट विल बिकम अडल्ट्रस, एंड इफ द इंटेलेक्ट बिकम्स अडल्ट्रस वॉट लॉस विल यू सफर? विविचारी बुद्धि हो जाएगी तो क्या घाटा होगा? वॉट विल बी द लॉस इफ योर इंटेलेक्ट बिकम्स अडल्ट्रस? हाँ, वैश्य बन पड़ेंगे, लंपट बन पड़ेंगे। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस यू विल बिकम प्रोस्टिट्यूट्स एंड लाइसेंशियस मैन। यस, अरे फिर वो पार्ट थोड़े ही रहेगा। कौन सा पार्ट? अरे देन यू वोंट हैव दैट पार्ट। विच पार्ट? है जो गायन है, नौगण के ऊपर भी विजयगण ने विजय पाई। द प्रेज दैट विजयगढ़ गेन्ड विक्ट्री इवन ओवर नौगढ़। क्या? वॉट? रुद्रमाला के ऊपर है विजयमाला ने विजय पाई, हार खाई। डिड द विजयमाला गेन विक्ट्री ओवर द रुद्रमाला और डिड दे फेस डिफीट? है, हाँ विजय पाई। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस दे गेन्ड विक्ट्री। तो अपने ऊपर रहम करना है किस बात का? सो यू हैव टू हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ। फॉर वॉट? जैसे विजय माला की मुखिया राधा कहो, लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, सारी दुनिया को पार लगाने वाली है। जस्ट एज द हेड ऑफ द विजय माला कॉल हर राधा, लक्ष्मी और पार्वती, द वन हु सेट्स द होल वर्ल्ड अक्रॉस। और सारी दुनिया में जो चमकता हुआ हीरो पार्टधारी उसको भी पार लगाने वाली है। द वन हु सेट्स अक्रॉस इवन द शाइनिंग हीरो एक्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो वो कैसे बनी? विविचारी याद से। हाउ डिड शी बिकम दैट? थ्रू अडल्ट्रस रिमेम्बरेंस। है, एक की याद से बनी। शी बिकेम दैट थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन।
इस जन्म में भी एक की याद, शी रिमेम्बर्स द वन इन दिस बर्थ, और अगले 84 जन्मों में भी एक का ही संग करेगी तो एक की ही याद आएगी। एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर 84 बर्थ्स शी विल टेक द कंपनी ऑफ द वन अलोन, सो शी विल रिमेम्बर ओनली द वन। और अनेकों को संग करेंगे इंद्रियों से तो, एंड वॉट इफ यू टेक द कंपनी ऑफ मेनी थ्रू द इंद्रिया, तो क्या औसो में भी खास काम इंद्रिय से, देन वॉट एंड इवन अमंग देम एस्पेशली थ्रू द कामेन्द्रिय, वो तो संग ऐसा है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दैट कंपनी इज सच दैट वेदर इट इज अ फीमेल और अ मेल, स्त्री मरेगी तो पुरुष का अंग काम इंद्रिय याद आती रहेगी, इफ अ फीमेल डाइज शी विल कंटिन्यू टू रिमेम्बर द कामेन्द्रिय ऑफ द मेल, और पुरुष मरेगा तो स्त्री की कामेन्द्रिय याद आती रहेगी। आज की दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं? एंड इफ अ मेल डाइज ही विल कंटिन्यू टू रिमेम्बर द कामेन्द्रिय ऑफ द फीमेल, डज दिस हैपन इन टूडेज वर्ल्ड और नॉट, नहीं होता बाई चांस, अगर नहीं भी याद आती है तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे जन्म में नहीं याद आए, डजंट इट हैपन बाई चांस, इवन इफ दे डोंट रिमेम्बर इट दे वोंट रिमेम्बर इट फॉर टू बर्थ्स एट द मोस्ट, दूसरे जन्म में तो जरूर वो पावर खत्म हो, दैट पावर सर्टनली फिनिशेज ऑफ इन द सेकेंड बर्थ, माने कोई के कोई भी आत्मा के दो जन्म स्त्री के या दो जन्म पुरुष के ज्यादा से ज्यादा लगातार हो सकती है, इट मीन्स समवन बी इट एनी सोल दे कैन हैव मैक्सिमम टू बर्थ्स ऑफ अ फीमेल और अ मेल कंसेक्यूटिवली, इससे जास्ती तो कोई में दम हो ही नहीं सकती, नो वन कैन हैव मोर पावर देन दैट, तो बताया जो कम विभिचारी याद में रहेंगे, सो इट वॉज सेड दोज हू हैव अ लेस एडल्ट्रस रिमेम्बरेंस, तो वो पार्वती की तरह है दुख की दुनिया से सदा पार होकर के रहेंगे, कि दुख की दुनिया में रहेंगे कि हमारा जल्दी से शरीर छूट जाए मोक्ष हो जाए सदा काल के लिए, विल दे ऑलवेज बी बियॉन्ड द सोरोफुल वर्ल्ड लाइक पार्वती, और विल दे स्टे इन द सोरोफुल वर्ल्ड एंड थिंक Let me leave the body quickly and attain moksha forever. Suicide करेंगे? Will they commit suicide? Heart fail होगा? नहीं, heart fail हो सकता। Will their heart fail? Their heart can't fail. बताया कि जितना आत्मा विचारी बनने की practice यहाँ करेगी, It was said, the more the soul practices to become unadulterous here. अरे पुरुषोत्तम संगम युग में इन द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंसेज, उतना वहाँ जन्म जन्मांतर देह से, देह की इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी सुख भोगेगी या दुख भोगेगी, विल इट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस थ्रू द बॉडी, थ्रू द इंद्रियों ऑफ द बॉडी, थ्रू द कर्म इंद्रियां एज वेल एज द ज्ञान इंद्रियों ऑफ द बॉडी फॉर मेनी बर्थ्स टू दैट एक्सटेंट देयर, और विल इट एक्सपीरियंस सोरो, सुख ही भोगेगी दुख नहीं भोग सकती, इट विल एक्सपीरियंस ओनली हैप्पीनेस, इट कांट एक्सपीरियंस सोरो, तो जिएगा तो रहम करेंगे ना, सो इफ यू लिव ही विल हैव मर्सी ऑन यू वोंट ही, क्या वॉट, और शरीर ही छूट जाएगा तो फिर पुरुषार्थी रहा, एंड इफ यू लूज द वेरी बॉडी आर यू अ पुरुषार्थी, नहीं रहा पुरुष अर्थी, पुरुष माने आत्मा, यू आरंट पुरुष अर्थी, पुरुष मीन्स द सोल, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करे रहे, विच रेस्ट रिसाइड्स इन द अबोर्ड लाइक बॉडी, शरीर रूपी पुरी ही छूट गई तो पुरुषार्थी तो रहा नहीं, इफ द अबोर्ड लाइक बॉडी इटसेल्फ इज लॉस्ट यू आर नो मोर अ पुरुषार्थी, फिर बाप रहम किसके ऊपर करेगा, भूत प्रेतम ऊपर रहम करेगा, देन ऑन हुम विल द फादर हैव मर्सी, विल ही हैव मर्सी ऑन गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, जो भूत प्रेत बनते ही तब है, कब दे बिकम गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स ओनली व्हेन, व्हेन
बहुत पाप करते हैं, उनके पापों का घड़ा। When someone commits a lot of sin, their pot of sins, ऐसा ना हो कि भर जाए। It shouldn't be that it becomes full. तो क्योंकि ड्रामा तो आगे चलना रहे है ना, चलना होता है। So, it is because the drama has to go on, hasn't it? It has to. तो वो तो सबका शरीर इस दुनिया में जब टोटल महाविनाश होगा तब ही छूटेगा। Everyone will leave their body only when there is the total great destruction in this world. तो जब तक जिएगा तब तक पुरुषार्थ शरीर से करता रहेगा। So, as long as you live, you will continue to make पुरुषार्थ through the body. अब मर जाएंगे शरीर से, शरीर ही छूट जाएगा, तो फिर रहम किसके ऊपर करेंगे? If you die with the body now, if you lose the body itself, on whom will you have mercy? भूत प्रेतों के ऊपर रहम करेंगे, है? जो भूत प्रेत बनते ही तब हैं जब दूसरों को बहुत दुख देते हैं, बहुत पाप करते हैं, अजामिल जैसे महापापी बन जाते हैं। Will you have mercy on the ghosts and spirits? Someone becomes a ghost or a spirit only when he gives a lot of sorrow to others, when he commits a lot of sins, when he becomes extremely sinful like Ajamil. Yeah. Ajamil ka misal kyon diya? What? Why was the example of Ajamil given? Aja maane bakri. Aja means goat. Bakri ki tarah main. मैंने सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा। The one who says मैं like a goat, I did everything, I alone am everything, I alone am God, I alone am शंकर, I alone am विष्णु and I alone am ब्रह्मा। मैं means I। अरे तुम ही त्रिमूर्ति शिव बाबा हो फिर? Sarcastically. अरे यू योर सेल्फ आर त्रिमूर्ति शिव बाबा देन फिर क्या होता है? हॉस्पिटलाइज होकर के क्या कर देते हैं? कामा में चले जाते हैं। देन व्हाट हैपन्स आफ्टर दे आर हॉस्पिटलाइज्ड? यस दे गो इनटू कोमा। बीसियां देने के लिए कामा में चले जाते हैं। दे गो इन कोमा फॉर मेनी डेज। तो फिर क्या कहेंगे? पुरुषार्थ कर रहे? Then what will be said? Are they making पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो खलास। The पुरुषार्थ is certainly over. तो मरेंगे तो क्या रहम करेंगे? So if you die, how will you have mercy on you? पुरुषार्थी बच्चों के ऊपर रहम किया जाता है। Mercy is shown towards the पुरुषार्थी children. तंग होंगे है अपनी इस जिंदगानी से। If you are fed up with this life of yours, जैसे मुरली में बोला, तुम बच्चों से अब माया तंग आ गई। Just as it is said in the Murli, that Maya is fed up with you children now. बोला कि नहीं? हाँ। Did he say this or not? Yes. तंग आ जाते हैं तो शरीर छोड़ना पड़ता है। If they are fed up, they have to leave their body. ओम शांति। 22 तारीख हो गई आज। ओम शांति। इट इज द 22nd टुडे।